कैसा लग रहा है आपको? एकदम अत्याधुनिक आधुनिक सर्व सुविधा युक्त इक्विपमेंट्स टेक्निकलिटी से भरे हुए स्टूडियो से ना बात करके अपने बेडरूम में बैठ के सिकुड़ के लैपटॉप के जरिए इसे रिकॉर्ड करते वक्त कैसी फीलिंग आ रही है आपको? नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, बिकॉज आई एम एक्चुअली हैव अ स्मॉल वर्क स्टेशन मेरे घर में ही, तो बेडरूम से बात नहीं कर रहा हूँ मैं. लेट्स नॉट गिव आइडियाज टू पीपल. सिकुड़ के बिकुड़ के मैं, प्रॉपर वर्क स्टेशन है मेरा, और आज हम जूम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आई एम श्योर द वॉइस क्वालिटी विल बी बेटर. सो लेट्स रॉक एंड रोल नितिन. मेरा तो ये मैं मेरा बेडरूम है और उसी में मेरा स्टडी भी है, और उसमें एक टेबल है जिसके ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ है, कुछ मेरी किताबें रखी हुई हैं, कुछ रजिस्टर्स हैं, कुछ पेन हैं, एक यहाँ पे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का कीचेन है मेरे पास, समहाउ पता नहीं कहाँ से आया ये, और तीन मास्क पड़े हुए हैं, और उसी बीच मैंने, आपने डेट्स खाए कभी खजूर जिनको बोलते खजूर? यस यस उसके दो खाली डब्बों का प्रयोग करके मैंने एक स्टैंड जैसा बनाया जिसपे मैंने मोबाइल रख लिया, और अब वो अब मेरे थोपड़े के बिल्कुल सामने आ रहा है। तो मैं अपने अच्छा. इस मेक बिलीव स्टूडियो से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड आई एम फीलिंग गुड। सुपर सुपर. यू नो रोनाल्डो, हमारा जो फुटबॉल प्लेयर है, आए हाय क्या बात लेकर आए हो। हाँ उसने कमाल की चीज कर दी थी यार परसों. देखो पता होगा, हाँ अच्छा किया ना उसने, शेर खान टाइप का काम, यानी मतलब साधारणता, एकदम ये एकदम सब एकदम आजकल एकदम. दिख, एक साधारणता आजकल ये सब दिखता नहीं है इतने कमर्शियल वर्ल्ड में। नहीं, वही सही. उसने कोका कोला की बॉटल हटा के पानी की बॉटल रखी, विच वॉज ह्यूज स्टेटमेंट दैट ही मेड टू द वर्ल्ड, टू यंगस्टर्स, सेइंग कि भैया ये नहीं पियो, आप पानी पियो, यू हाँ नो. यार वो तो है, बहुत ही बढ़िया लगा वो मेरे को देख के। हैंड्स ऑफ टू हिम, बिकॉज यू नो इफ यू सी एक प्लेयर जो होता है, चाहे वो क्रिकेट खेले फुटबॉल खेले, यूजुअली कमर्शियल टर्म्स के लिए बहुत बहुत प्रेशर में आ जाता है. ही बहुत कुछ वो कर नहीं सकता जो उससे करनी चाहिए इंसानियत के दायरे में रख के. इट्स वेरी सैड यू नो कि हमारे इंडिया में जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं, इतने बड़े डरे से, घबराए हुए, सहमे से हुए हैं, ये कर दिया तो वहां से डंडा पड़ेगा तो निकल जाएंगे. दो चार साल की जिंदगी है, पैसे कमा लो, तो आत्मा मर जाती है. बट आई फील दैट दीज गाइज आर शोइंग द वे टू टू द वर्ल्ड यार. व्हाट डू यू और थिंक? मुझे लगता है कि इसका कल जब ऑफकोर्स मैंने देख लिया था, पर मुझे लगा कि ये लगता है ये लोग कुछ मीम वगैरह बना रहे हैं, बट आज एविडेंट हो गया कि वो सचमुच उन्होंने एक तरीके से ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करी है कि हेलो भाई ये हटा दो, सिर्फ पानी से ही काम चलता है। राइट. और नागपुर मुंबई में जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई ये क्या कोका कोला थम्सअप वगैरह पीता, पानी में पीना भाई। तो उनको भी ये जेस्चर बहुत पसंद है। हाँ भाई अपन भी पानी वाले हैं नहीं, यूजुअली क्या होता है, ड्रिंक्स होते हैं वो, कभी कभार आप वीकेंड्स में पियो, एक आध बार पियो, तो कोई गलत नहीं है, दस नहीं रॉन्ग इन दैट, एज अ एंजॉयमेंट के लिए. भाई। मेरे को लग रहा था मैंने ना 2-2.5 साल से कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है। हाँ, मैंने भी काफी टाइम से नहीं पिया, एंड मैं तो ज्यादा पीता भी नहीं था. जस्ट दैट कि यू फील कि समटाइम्स आप खाते हैं, पर अगर पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो उस टाइम पे एक हाथ पी लिया ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस. हिट द स्पॉट, हाँ वैसा वाला एक बोलने के लिए। नहीं हाँ, एब्सोल्युटली. बट आई पिज्जा के स्टिल बाद तो आया यार, पिज्जा के बाद उसका अलग ही मजा आया था पूरा, यानी पिज्जा खा लो साथ में पीते जाओ, और वो यानी जो उसका जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट होता है यस हिट द यस आई मीन, स्पॉट वैसा वाला निकलता है फिर मुंह से। हाँ, मतलब ये जस्ट दैट कि आइडिया इज टू एनकरेज पीपल नॉट टू ओनली हैव दैट पानी जो है, एंड दैट दैट पॉइंट वाज वेरी वेल मेड बाय रोनाल्डो, अमेजिंगली मेड बाय रोनाल्डो. कोल्ड ड्रिंक का तो मुझसे मत ही पूछिए दादा। एक बार अभी ये 2 साल तो अपने लॉकडाउन में निकल गए, बट उसके पहले एक बार जबलपुर कैसा गर्म पड़ता है आपको पता है, 47-48 डिग्री जाता है, राइट. और मैं एक यहाँ पे मार्केट प्लेस में खड़ा हुआ था, और वहां पे एक बंदा अपने स्कूटर पे उतरा और उसके स्कूटर पे प्लस साइन था, तो आई थॉट कि ही इज अ डॉक्टर।
और वही 45-50 के बीच में कहीं पे एज, और थोड़ा सा मतलब इंसान जब लगने लगता है ना देख के कि थोड़ा वजन भी आ रहा है, बुढ़ापा भी आ रहा है, सब कुछ। वो बंदा शाम के 4 बजे, लू चल रही होगी, मैं किसी काम की वजह से वहां पे खड़ा हुआ था, वो उतरा एक पान की दुकान पे, स्कूटर लगाया उसने और उसने एक सिगरेट मांगा और सिगरेट स्मोक करना शुरू किया, फटाफट उसको जला के फूंक के उसने फेंक दिया। और फिर उसने एक कोका कोला की बोतल मांगी, वो आधा लीटर वाली होती है जो, और भाई वो एक ऐसा खोल के सीधे गब 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 ऐसे ऊपर से, यानी आप समझ रहे हो, ऐसे भी नहीं कि मुंह लगा के पूरा एक बार में, ऐसे ऊपर बोतल है और ऐसे ढकेल के गब 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 करके वो विद इन 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स उसने खत्म कर दिया उसको। वाह मैं बोला भाई ऐसे डॉक्टर होना चाहिए अपने यानी वो पूरा फिजिकल, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके अगेंस्ट में जा रहा था वो, कि वो साधारणता कहते हैं कि गर्मी के समय में यहाँ पे, यानी ऐसी गर्मी होती ना दादा कि टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए साधारणता ये बोला जाता है कि गर्मी में आप गर्म चाय पी लो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन उस समय पे जब लू वगैरह चल रही होती है दिन में 2-3 बजे के समय पे, तब ऐसा दही वाला कुछ खाओ, ठंडा कुछ मत खाओ, क्योंकि वो ऑफकोर्स ऑपोजिट टेम्परेचर हो जाते हैं ना, कि बिल्कुल चिल्ड आपने पेट में डाल दिया, पेट में वैसी गर्मी है, बाहर भी गर्मी है, तो वो अच्छा नहीं होता। तो दिस वॉज हॉरिबल दादा, आपके उधर मिलते हैं क्या ऐसे डॉक्टर्स? मैं तो बता रहा हूँ कि वो आदमी जो इंसान है, इंसान नहीं था, वो मैन इन ब्लैक का एलियन था। क्या चीज है बे तू इंसान तो ऐसा पीने, हमारे मुंबई में तो डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे तेरे को बेचारे, जो लू से बट उतर के सीधा कोका कोला की बोतल खोल के गट से पी जाएंगे। हाय, दिस इज अलोक। मेरा नाम है नितिन, और अगर आप पूरा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करो। और नितिन ने जो कहा आप लोगों ने नहीं किया, तो लिंक आपको जरूर देख लेगी। लिसन टू द आलोक नितिन पॉडकास्ट एट अ YouTube near you।